आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग में। और आज हम चलेंगे एक और नई चीज ढूंढने। वो चीज हमारे घर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे घर को सुंदर बनाने में काम आएगी। और उसे कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, हमें ढूंढना है आज क्ले। क्ले यानी गारा, जो आपको उसमें भी मिलता है, यानी कि सिर्फ पॉन्ड्स में मिलता है, पॉन्ड्स और नदियों में। चलो, इसको तो हमने निपटा दिया। तो उसको ढूंढने का तरीका सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उस क्ले से बनती है ईंटें, मिले हमें गन पाउडर। तो और ईंटों से हम बनाएंगे हमारा घर, जिसका टेक्सचर अच्छा आएगा ईंटों से। अभी हमने सिर्फ कॉबलस्टोन से बनाया है। तो अगर आपको ढूंढना है क्ले, तो क्ले के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा। हम एक शावल ले लें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। तो गारे या जो क्ले रहता है उसका कलर थोड़ा लाइट ग्रेइश रहता है, यानी कि आप डिफरेंस कर सकते हैं उसे ग्रेवल और स्टोन के बीच में। यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखता है क्ले। यही कहीं होगा, देखिए पूरा देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है, जहां पर मेरा क्रॉस एयर है वहां पर, ये क्ले और ये है स्टोन। ये थोड़ा मडी ग्रेइश टाइप दिखता है। ये देखिए, ग्रे ब्लॉक, क्ले ब्लॉक्स है। कर देते हैं। तो ये है क्ले, देखिए हमें 28 क्ले मिल गए। तो इससे मैं आपको यूज बताऊंगा जब हम घर पे जाएंगे। तो इसे आप, ये देखिए, यहाँ अंडर वाटर आपको ढूंढना है। तो ये ऐसा दिखता है, थोड़ा लाइट ग्रेइश टाइप का। तो जितना भी मिले आप इकट्ठा कर लीजिए उसको, ये काम आएगा आपको। बहुत सारा है वैसे इधर तो, और हमें ज्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ा इसके लिए ढूंढने के लिए। ये पास में ही मिल गया। तो हमें मिल गए 64 और 36 क्लेस। तो इसे ढूंढने में सिर्फ आपको पॉन्ड या नदी में जाकर देखना पड़ता है। ये देखिए, ग्रेवल ऐसा दिखेगा पर क्ले अलग नजर आता है, ये स्टोन है। यहाँ पर तो क्ले नहीं है। इधर भी नहीं है। तो चलिए, जितना भी हमें मिला है उसका मैं आपको यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इसका यूज सिंपल है, हम इसे हमारे घर बनाने में यूज करेंगे। क्ले से ब्रिक्स बनती है और ब्रिक्स से ब्रिक्स बॉक्स क्यूब बनते हैं, ब्रिक बॉक्स बनते हैं।
तो जाइए सिर्फ आपके फर्नेस के पास, आपके जो फर्नेस में कोयला डालिए और इन क्ले को इधर रखिए और देखिए ये यहाँ पर हमको मिलेगी एक ईंट इन ए ब्रिक, ये आ गई। एक क्ले से एक ब्रिक मिलती है हमें, तो अभी हम इसे होने देते हैं। तो हमें हमारा जो घर है उसको थोड़ा और थोड़ा सुंदर बनाना है, तो हम जो हमारा फ्रंट साइड है हमारे घर का, हम उसको ब्रिक ब्लॉक से कवर करेंगे, उसे थोड़ा डिजाइन, नई डिजाइन देंगे। तो जब तक हमारी ब्रिक्स तैयार हो रही है हम इसे धो देते हैं। यहाँ से हम इसे यूज करेंगे, हमारे ब्रिक ब्लॉक्स को यूज करेंगे, जो कॉर्नर वाली साइड है उसमें। ये देखिए हमारे पास 6 ब्लॉक्स आ गए हैं ब्रिक के। अब इसे बनाने के लिए सिर्फ आप ब्रिक्स लीजिए और इसे ऐसे जमाइए 4 खानों में, और आपको मिलता है इससे एक ब्रिक ब्लॉक। तो ये टेक्सचर देना है हमें, इसमें भी डाल देते हैं क्ले और कोयला तो जल्दी हो जाएगा। देखिए हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ पर से, ऐसे करके हम इसमें यहाँ पर पूरी ऊपर तक बनाएंगे। एक यहाँ पर रखेंगे ऊपर वाली जो रो है उसमें भी हम इसी को डालेंगे, और हमारे दरवाजे के आसपास भी यहाँ पर हम ये लगाएंगे। तो हमें इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी, जब तक हम इसे थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं ताकि वो जहाँ जहाँ ये लगाना है वहाँ वहाँ आराम से जल्दी लगा सके। गया इधर का, अब हमारा गेट के यहाँ भी लगा दे इसे। आपका गेट सुरक्षित है। सेवनटीन ब्रिक्स आ गई है। आपको इसे डिवाइड करना है किसी भी चीज को, अगर आपके पास बल्क है इतना और आपको रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ रखिए और इस पर राइट क्लिक कर दीजिए तो वो हाफ हो जाती है उस चीज की। जैसे ये देखिए 5 और 4 8 पे करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाती है वो, अगर आप सिर्फ राइट क्लिक करेंगे तो। ये हमारे पास आ गई ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स हो गई। तो हम इसे हमारे दरवाजे पे लगाते हैं सबसे पहले। तो देखिए थोड़ा नयापन दिख रहा है हमारे घर में। यहाँ से भी पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, इसको भी पूरा कवर करेंगे, और यहाँ पर और जो ये कॉबल स्टोन है हम इसे ब्रिक्स यानी कि जो स्लैब्स रहती है कॉबल स्टोन के ब्लॉक्स रहते हैं इसमें ग्रेविंग्स होती है उसे लगाएंगे हम, वाले टेक्सचर के कॉबल स्टोन लगाएंगे हम यहाँ पर। हम ये तो सिर्फ हमारे जो हमने माइन करे थे कॉबल स्टोन से हमने हमारा घर बनाया है। जैसे जैसे तैयार होती जा रही है हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें। उप्स, तीन ब्लॉक आ गए हैं, ये काफी होगा शायद। हाँ ये देखिए ये हमारा घर का जो मेन डोर है उसकी हमने आसपास का इस टेक्सचर में कर दिया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। हमें और काफ़ी क्ले की ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम जो इतना हमारे को हमको मिला है हम उससे काम चला रहे हैं अभी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉबल स्टोन से करते हैं हम स्टोन्स बनाते हैं ग्रेविंग्स वाले, उसे कैसे बनाते हैं। हमारे पास 23 कॉबल स्टोन्स है। टेबल पे जाइए आपके, और रुकिए अरे हाँ, इसको भी आपको फर्नेस में रखना पड़ता है, तो हम फर्नेस बना लेते हैं एक और, क्योंकि हमें फर्नेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। देखिए फर्नेस बन गया है, हम इस फर्नेस को रखते हैं।
थोड़ा सा कोयला ले लीजिए और ये देखिए, और जो ये कॉबल स्टोन है इसको हम एक स्टोन में कन्वर्ट करेंगे फर्नेस में रख के। स्टोन जो आपको माइन करते हैं, जो रॉ हालत में मिलता है उसमें आपको स्टोन्स ही रहते हैं वो, और स्टोन्स को आप जब माइन करते हैं तो वो कॉबल स्टोन्स बनते हैं। अब इससे हम आपको, मेरे पास तीन हो गए, एक और ले लेते हैं। मेरे पास आ गए चार कॉबल स्टोन्स, इनको हमने देते हैं तो इन्हें लीजिए। और जैसे हमने ब्रिक्स जमाई थी, हमने ब्रिक्स ब्लॉक बनाने के लिए, वैसे ही इनको स्टोन्स को चार इसी पोजीशन में जमाइए और आपको मिलेगी स्टोन ब्रिक्स। और ये हम लगाएंगे हमारे जो ये बचा हुआ हिस्सा है जितना भी दिख रहा है उसमें, ताकि इसकी जो टेक्सचर थोड़ा और अच्छा हो जाए। एक नो सिक्या घुसा है हमारे गार्डन में, इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं। ले बॉय, तो हम हमारा इसे हटाते हैं यहाँ से और यहाँ लगाएंगे हम हमारी स्टोन ब्रिक्स। ये देखिए खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है इसमें, मिला है हमारे घर को। हम हमारी जो ब्रिक्स है वो इकट्ठा कर लिए हमने, अब हम इसे लगाते हैं यहाँ पर। लग गई, एक ऊपर की बच गई है सिर्फ, हम उसे भी लगा लेंगे। इधर की लगा देते हैं, बस 10 स्टोन्स आ गए हैं। अब इसे देखिए स्टोन ब्रिक्स आ गई हमारे पास, इसे भी लगाते हैं जाते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए हमारा घर आकार ले रहा है सुंदर, ये भी हटा दिया। तो इसके लिए आप चाहे तो अलग अलग फर्नेस लगा सकते हैं बहुत सारे, तो उससे आपका काम जो है वो जल्दी होता जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा चढ़ने का रास्ता बना ले, तो हमने हमारी जो ब्रिक्स है वो लगा ली है यहाँ पर। स्टोन्स भी तैयार हो रहे हैं हमारी, बस ये लास्ट 9 क्ले बचे हैं। ये देखिए सुंदर लग रहा है, तो हम हमारा जो पूरा घर है हम उसे चेंज कर देंगे। इधर भी हम ये वाले स्टोन्स लगाएंगे और जो साइड है साइड में है हम इसे ब्रिक का टेक्सचर दिया है हमने, और विंडोज पे भी हम इसी का टेक्सचर देंगे। और देखिए विच, ऊपसी, इसका ध्यान
रखना, आप अगर जब भी इसका फेस इसे फेस करें विच को, क्योंकि आपको ओशन मार सकती है कोई सा भी। फंस गई है तो अंदर, और इससे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलती है। हमारी धनुष पांड खत्म हो गए। वही रो। देखिए विच से हमें कुछ ड्रॉप मिला है क्या? नहीं, सिर्फ गन पाउडर मिला है। कोई बात नहीं। एक और बात कि मकड़ियां आपकी बागड़ है जो क्लाइम कर सकती है, लांग करा सकती है, तो उनके सामने ये लगाना बच्चों का बात होगी, क्योंकि सिर्फ मकड़ियां है जो इसे क्लाइम कर सकती है। तो हम देखें हमारी ब्रिक्स कंप्लीट हुई है कि नहीं। हो गई है, हमारे पास इतनी बची है, बस क्ले भी हमारे पास खत्म हो चुका है। तो हम आखिरी ब्रिक्स लगा देते हैं बना के, बस चार ब्रिक्स बनी है। तो हम इसे दोनों तरफ लगाना है हमको। तीन जो बची है वो हम यहाँ लगाएंगे बीच में, और पर हमें इसे पूरी कवर करनी है, पर हम अभी हमारे पास सफिशियंट ब्रिक्स नहीं है, तो हम इसे बाद में करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो घर अब आकार लेने लगा है सुंदर। मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रिक्स बनाते हैं और कैसे स्टोन ब्रिक्स बनाते हैं। आसान है, आपको सिर्फ क्ले ढूंढना है जो कि पॉन्ड्स में मिलता है, तालाब में मिलता है, नदी में मिल जाएगा आपको, और उसे आप आसानी से वो करके आप से फर्नेस में डाल के आप इसे नई चीजें बना सकते हैं आराम से। और ये बहुत काम का भी होता है। ऊपसी, हमारी लाइफ कम है, हम जल्दी से अंदर चले जाएं। गुड बॉय। तो आज के भाग में इतना ही, मैं आपको अब अगले भाग में बताऊंगा, और अगले भाग में आपको मैं ऑफ स्क्रीन जाकर मैं अपना जो घर है उसको पूरा कर लूंगा, तो आपको देखने मिलेगा एक नया घर कि कैसे उसे डिजाइन करा है, और कुछ नई चीज होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उस बारे में। तो जब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले भाग में माइनक्राफ्ट हिंदी गेमिंग के। जब तक के लिए बाय बाय, सी या।